हेलो दोस्तों, एडेल चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, जैसे कि कलर, फ्लेवर, एसिडिटी, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी और हीट स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क। दोस्तों, दूध एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल फ्लूड होता है, जिसमें मुख्य रूप से 7 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे वाटर, फैट, प्रोटीन, शुगर, मिनरल्स, विटामिन्स और एंजाइम्स। वाटर दूध में सबसे ज़्यादा होता है, जो कि सॉल्वेंट का काम करता है, और बाकी 6 कंपोनेंट्स वाटर में मिक्स होते हैं। मिल्क फैट दूध में इमल्शन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन और कुछ मिनरल्स कोलोइडल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और लैक्टोज और कुछ मिनरल्स सोल्यूबल फॉर्म में दूध में प्रेजेंट होते हैं। दूध की फिजिकल प्रॉपर्टीज इन 7 कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती है। तो अब देखते हैं पहली प्रॉपर्टी, कलर एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क। दूध ओपेक यानी क्लाउडी और धुंधला दिखाई देता है। यह क्लाउडी और मिल्की अपियरेंस दूध में प्रेजेंट फैट ग्लोबुल्स और केजिन माइसिल्स के कारण होती है। भैंस का दूध नॉर्मली वाइट होता है और गाय का दूध हल्का पीला होता है, जिसका कारण दूध में मौजूद बीटा कैरोटीन नामक पिगमेंट होता है। दूध में से पनीर निकालने के बाद जो लिक्विड यानी वे बचता है, उसका रंग हल्का हरा होता है, जिसका कारण दूध में मौजूद राइबोफ्लेविन होता है। दूध का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 20 डिग्री सेल्सियस पर 1.3440 से 1.3485 होता है। अब सेकंड प्रॉपर्टीज देखते हैं, फ्लेवर ऑफ मिल्क। दूध नॉर्मली थोड़ा स्वीट यानी मीठा होता है। दूध के फ्लेवर के लिए सभी कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें मिल्क शुगर यानी लैक्टोज का अहम योगदान होता है। इसके अलावा दूध में ओ फ्लेवर्स भी आ सकते हैं। इन ओ फ्लेवर्स का मुख्य कारण अनडिजायरेबल बैक्टीरियल ग्रोथ, अनडिजायरेबल फीड और प्रोसेसिंग इफेक्ट हो सकता है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी के कारण भी रेंसिडिटी और ओ फ्लेवर्स मिल्क में आ सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी। दूध पानी से ज़्यादा डेंसिटी वाला होता है। गाय के दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.018 से 1.036 होती है, और भैंस के दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.018 से 1.038 तक हो सकती है। दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ने से स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। यदि डेंसिटी की बात करें तो दूध की डेंसिटी 20 डिग्री सेल्सियस पर 1.0272 1.033 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। दूध में मौजूद फैट की डेंसिटी, जो कि 0.93 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, दूध से कम होती है। इसलिए चर्निंग या एजिटेशन के दौरान क्रीम यानी फैट दूध के ऊपर आ जाता है। अब बात करते हैं विस्कोसिटी की। दूध की विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन 25 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 2.5 सेंटीपोज होता है, जो टेम्परेचर बढ़ने पर कम हो जाता है और ठंडे और कोल्ड स्टोर में बढ़ जाता है। विस्कोसिटी का मुख्य कारण दूध में मौजूद केजिन प्रोटीन और फैट होता है। अब करते हैं सरफेस टेंशन की बात। सरफेस टेंशन दूध के ऊपर वाली लेयर पर अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है। दूध में 20 डिग्री सेल्सियस पर सरफेस टेंशन लगभग 50 से 52 डाइन पर सेंटीमीटर होता है। स्टेरिलाइजेशन और होमोजेनाइजेशन के कारण दूध की सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। अब बात करते हैं फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क की। दूध का फ्रीजिंग पॉइंट पानी से थोड़ा कम होता है, लगभग -0.512 से -0.572 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि दूध का बॉइलिंग पॉइंट पानी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लगभग 100.05 से 100.17 डिग्री सेल्सियस। इसका कारण दूध में मौजूद कंपोनेंट्स होते हैं, जो कोलोइडल प्रॉपर्टीज यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स और एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स को शो करते हैं। अब बात करते हैं एसिडिटी और पीएच की। ताजे दूध की पीएच नॉर्मली 6.5 से 6.7 और एसिडिटी 0.14 से 0.18% ऑफ लैक्टिक एसिड होती है। ताजे दूध में कोई भी डेवलप्ड एसिडिटी नहीं होती, लेकिन बाद में इन्वायरमेंट और बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण दूध की एसिडिटी बढ़ सकती है और पीएच कम हो सकती है। प्योर वाटर और न्यूट्रल की पीएच 7 होती है, जबकि दूध की पीएच
6.5 से 6.7 होती है, यानी 7 से थोड़ी कम। इसका कारण दूध में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सीट्रेट और केजिन प्रोटीन होते हैं। अब बात करते हैं हीट स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क। हीट स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि दूध कितने टाइम तक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्टेबल रह सकता है, यानी बिना कोगुलेट्स हुए या फटे। और यह भी कह सकते हैं कि दूध कितने टेम्परेचर तक एक पर्टिकुलर टाइम में स्टेबल रह सकता है। अगर ताज़े दूध की बात करें तो ताज़ा दूध नॉर्मली नेचुरल पीएच 6.7 में 140 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने पर 10 से 12 मिनट तक स्टेबल रह सकता है बिना कोगुलेशन। लेकिन अगर पीएच चेंज हो जाती है तो ये स्टेबिलिटी कम भी हो सकती है। इसका मतलब हीट स्टेबिलिटी पीएच पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। पीएच चेंज होने पर केजिंग और साल्ट बैलेंस बिगड़ जाता है और मिल्क कोगुलेट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और ई डेयरी चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया हुआ, अगर नहीं किया तो सबसे पहले जाके ई डेयरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों।